अनुभूतिशी फाउंडेशन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सिविक सेंटर में सैनिटरी पैड देकर क्राउन पहनाकर महिलाओं का सम्मान किया गया। इस मौके पर महिला पुलिस अधिकारी मोनिका पांडे विशेष रूप से शामिल हुई। अनुभूति श्री फाउंडेशन के द्वारा बीते 8 वर्षों से महिला उत्थान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में शहर के हृदय स्थल सिविक सेंटर रथ पार्क के सामने अनुभूति श्री फाउंडेशन के द्वारा विशेष कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति का सम्मान करते हुए यहाँ पर महिलाओं को क्राउन पहनाकर साथ ही सैनिटरी पैड देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर महिला पुलिस अधिकारी मोनिका पांडे विशेष रूप से शामिल हुई। उन्हें भी क्राउन पहनाकर सम्मान किया गया। अनुभूति श्री फाउंडेशन के द्वारा इसका उद्देश्य इस प्रकार से बताया गया। अनुभूति श्री फाउंडेशन 10 मार्च को आज सिविक सेंटर के अर्जुन रथ पर महिला दिवस का कार्यक्रम आयोजन कर रही है। चूँकि 8 तारीख को शिवरात्रि थी, इस वजह से हम आज इकट्ठा हुए हैं। और हम जब माहवारी से संबंधित कार्य करते आ रहे हैं पिछले 7 वर्षों से, तो हमने इस बार यही सोचा है कि ये महिलाओं के लिए बहुत ही सम्मान और गर्व की बात है, क्योंकि बिना माहवारी के कभी भी हम एक मातृत्व का सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम सृष्टि को जन्म देते हैं, इसलिए इस चीज़ से शर्म और संकोच नहीं करना चाहिए। तो इस विषय को सम्मान का विषय मानते हुए आज हम ओपनली इस तरह से सबके बीच शामिल हुए हैं, ताकि हम पैड देके और महिलाओं को क्राउन पहना के, ये उनका सम्मान है, खुद का सम्मान है, ताकि वो इस चीज़ को शर्म ना करें, इसलिए हम आज यहाँ इकट्ठे। अब तो मैम मातृत्व के नाम अब थोड़ी थोड़ी जागरूकता आई है, क्योंकि हम विशेषकर जागरूकता के लिए कार्य कर रहे हैं। पहले लोग नहीं निकलते थे, बात नहीं करते थे, पर अब बहुत सारे चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच, आज आपने अनुभूति फाउंडेशन ने मुझे बुलाया इस प्रोग्राम में। मैं तो इस काम का कार्यक्रम का मोटो सुन के ही बहुत अभिभूत हूँ। इतना नेक काज है, इतना नेक काम, और आप लोग इतने सहृदयता से और बेखौफ कर रही हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि हम कहीं शर्म नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं तो ये पहले समय में बताने में भी लोगों को झिझक होती थी कि मुझे माहवारी चल रही है या ये है। आज ये समय, ये मौसम, ये ऐसी आप लोगों ने ऐसी भलाई में और हर जगह ऐसा एक भाव पैदा कर दिया है कि आप आज बच्चों के बेस्ट फ्रेंड भी उनको बताते हैं कि आपका टाइम ठीक नहीं है, आपको केयर करने की ज़रूरत है। माँ बाप बहुत भाव से लेते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। इस चीज़ को हमें और आगे बढ़ाना है, और आगे इस झिझक को ख़त्म करना है। हमें शहर, गांव, हर बेटियों के पास और हर बेटों को पता होना चाहिए। तो नेचुरल प्रोसेस है, इसको हर बेटों को पता होना चाहिए कि इस समय में एक महिला को थोड़ी दिक्कत होती है, उसको बहुत प्यार और स्नेह की ज़रूरत है, और हमें वो देना ही चाहिए। वो हमारे घर में झिझक ख़त्म करनी होगी, और ये काम सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को करना है। हमें बताना होगा भाई को कि मेरे पीरियड्स का टाइम है और मुझे थोड़ा सा वो करना है इस समय, थोड़ा मुझे फिजिकली कम ऐसे महसूस होता नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होती। बहरहाल फाउंडेशन के द्वारा लगातार समाज हित और महिला हित के लिए कार्य किए जा रहे हैं, जो कि अत्यंत सराहनीय है। ACN News के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।